हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंबिका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अपलोड अनलिमिटेड बाय अंबिका में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मीशो ज्वेलरी हॉल। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ ज्वेलरी परचेस की हैं मीशो से। मीशो इज़ इंडियाज़ नंबर वन रीसेलिंग ऐप, जिसके थ्रू आप बस परचेज ही नहीं कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही कम रेंज पे मिल जाते हैं, प्राइस बहुत ही जेन्युइन होता है, जिसमें आप अपना मार्जिन लगा करके आगे भी उसको रीसेल कर सकते हो। बहुत से लोग आज के टाइम पे ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी ज्वेलरी पीसेस मैंने मीशो से परचेज़ की हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल होगी उसको ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपके साथ इस बॉक्स का शेयर करने वाली हूँ। इसमें मुझे एक साथ दो ज्वेलरी पीसेस रिसीव हुई हैं। तो ये वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, तो ये है कुछ ऐसा। और इसके साथ एक मिनट मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा है ये। बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट है गोल्डन कलर में, और इसके साथ आपको मिल जाता है इयररिंग्स का सेट, जो कि अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, डे टाइम के फंक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट है। इनफैक्ट आप शादी पार्टी में भी इसको कैरी करना चाहें तो इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने पे। और इसके साथ मिल जाता है एक मांग टीका, जो अगेन बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये सेट मुझे बहुत पसंद आया, मैंने दो तीन बार इसको पहन भी लिया है। तो फर्स्ट पीस था ये। सेकेंड है एक नेकलेस सेट, ये रहा, ये भी बहुत ही प्यारा है। इसमें एडी स्टोन्स के काम हो रखे हैं, अमेरिकन डायमंड्स जो होते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ मुझे रिसीव हुए हैं दो छोटे छोटे से प्यारे से इयररिंग्स, ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो दूसरा था ये। तो इस बॉक्स में ये दोनों ज्वेलरीज थी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। ये तो इसकी पैकेजिंग प्लास्टिक के जिसमें था जैसे इस टाइप में, वो मिसप्लेस हो गई है, क्योंकि इसको मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज़ किया था और ये दो तीन दिन पहले मुझे रिसीव हुआ है। ये है, ये ना वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट ज्वेलरी पीस है, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ये। आप चाहो तो, मैंने ऐसे निकाल लिया इसको, मैं वन बाई वन आपको दिखाती हूँ। तो इस ज्वेलरी सेट में हमें सबसे पहले मिलता है एक चोकर। तो ये कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे मोतियों का वर्क है, ये स्टोन्स का वर्क है, यहाँ पे पेंडेंट दिया हुआ है, इधर भी चारों तरफ मोतियों का वर्क है, और यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा स्टोन लगा है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्रिटी सेट है ये। और इन सब का प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन करती जाऊंगी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बस इसका याद है आई थिंक 380 और 400 समथिंग का था ये वाला, क्योंकि अभी ये मुझे दो तीन दिन पहले ही रिसीव हुई है, तो इसका मुझे याद है, बाकी और सबका नहीं, तो इसलिए मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और इसमें हमें एक और मिल जाता है रानी हार, ये कुछ ऐसा है। वन मिनट, अगेन इसमें एक रानी हार मिलता है, वही जो पेंडेंट का वर्क था उसी को यहाँ पे तीन का यहाँ पे पेयर बना के, फिर बाकी मोतियों का यहाँ पे आपको पांच लेयर का मोती वर्क यहाँ पे मिल जाता। बहुत ही खूबसूरत ये सेट है, देखो। वेडिंग सीजन के लिए तो आपके पास ये मस्ट हैव ज्वेलरी पीस होनी चाहिए, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा पीस है ये, देखो आप, बहुत ही खूबसूरत।
और इसके साथ हमें मिल जाता है इयररिंग्स और मांगटीके का भी सेट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह के इसकी इयररिंग्स हैं और सॉरी और ना गोल्डन ज्वेलरीज ऐसी होती हैं जो हर एक आउटफिट साड़ी लहंगे के साथ चली ही जाती हैं। तो गोल्डन तो आई थिंक हर किसी के पास होना ही चाहिए, गोल्डन कलर का नेकलेस सेट। तो इसके इयररिंग्स कुछ ऐसे हैं और इसके साथ हमें मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा सा मांग टीका। आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, तो ये बहुत ही प्रिटी है। वैसे अभी तक मैंने इसको वेयर नहीं किया है। तो ये है तीसरा सेट। नेक्स्ट मैंने एक लेड चेन टाइप की मंगाई है जो एक छोटे से प्यारे से बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है, तो ये कुछ ऐसी है। और इसके साथ कोई इयररिंग नहीं है, पर अगेन ये साड़ी वगैरह पे बहुत ही प्यारा लगेगा, कुछ ऐसा है। यहाँ पे इस तरह का देखा है, पीछे की साइड में इस तरह का चेन मिल जाता है आपको। और क्वालिटीज़ हर एक ज्वेलरी पीस की बहुत ही औसम है। मीशो पे मुझे ये बात अच्छी लगती है कि ज्वेलरी पीसेस बहुत ही अच्छे आते हैं, मैंने कई ज्वेलरीज ऐसे ऑर्डर कर रखी। नेक्स्ट था ये, नेक्स्ट है इस बॉक्स में जो कि एक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है। और वो है ये, नेक्स्ट है ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आप देख सकते हो, और ये भी बहुत ही प्यारा है। और ये भी शायद 147 समथिंग का था, ये बहुत प्यारा लगता है पहनने पे। प्लेन साड़ी के साथ ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे। और इसके साथ मुझे रिसीव हुए हैं दो इयररिंग्स, कुछ ऐसे ही इसके। हाँ थोड़े हैवी हैं ये, और कानों में पहनने पे ना थोड़े से भारी भारी से फील होते हैं, पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसका मिरर वर्क देखो आप कितना शाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारा पीस है ये। तो नेक्स्ट था ये, और नेक्स्ट है ये ज्वेल गैलेक्सी के बॉक्स में। वैसे ये ज्वेल गैलेक्सी का है नहीं, मैंने बस इसमें रख रखा था। तो ये है इयररिंग्स है, बस ये हैं ये हूप्स, ये भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी में ही है, ऑक्सीडाइज इयररिंग्स हैं ये। और इस पे पूरे पे घुंघरू का काम है, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करता है ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पहन के, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना पहन लो फिर बजता है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो आप देखो इसमें ज़रा सा भी साउंड नहीं है। और ये भी मैंने अगेन मीशो से ही लिया है, और ये भी बहुत ही प्यारा इयररिंग है। देखो आप, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं ये, इजीली आप इसको पहन सकते हो। तो नेक्स्ट था ये, और लास्ट है एक और इयररिंग्स जो कि है मिरर वर्क के साथ। आप देखो कुछ इस तरह का है ये, इसके भी मिरर की क्वालिटी आप देखो कितनी शाइन कर रही है, बहुत ही प्यारा है ये भी। तो ये भी ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स ही हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अगेन ये भी बहुत ही प्यारा लगेगा सूट के साथ, साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये भी इयररिंग्स। तो ये था इस हॉल का लास्ट ज्वेलरी पीस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको इनमें से कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन सभी ज्वेलरी पीसेस के कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहो तो चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।